लगातार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक एफआईआर करके, ताकि सभी मीडिया के लोग डर जाएं और इसको न्यूज नहीं चलाने का काम करें। आपको तो बाहरी स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, इनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि बिहारियों की पावर क्या है। अगर सही बात, अगर हमारी सरकार अगर निकम्मी नहीं होती तो हमारे राज्य के हमारे भाई माता बहन चाचा चाची लोग के बाहर जाने का आवश्यकता नहीं पड़ता। तो भाई जी लोगों को औकात पता चलेगी कि बिहार के लोगों का कैपेबल क्षमता क्या है। जब अगर एक महीना दो महीना लोगों के फैक्ट्रिया में जब ताला पड़ जाएगी तो लोग इज्जत देने का वहां काम शुरू कर देगा। अब बात आ जाएगी कि जब मीडिया के आवाज को अगर कोई अगर दबाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके तरफ हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। बिहार के लोगों के साथ किसी भी राज्य में अगर गलत होता है तो गलत होता है, निश्चित तौर पर वो हमारे कहीं ना कहीं भाई है। आप सभी का भाई तेजा और आप देख रहे हैं अपनी आवाज न्यूज और भोजपुरी जुगाड़.com। आज आप सभी के समक्ष भाजपा युवा नेता राहुल राज को लेकर आए हैं। कैसे हैं भैया? सबसे पहले आपके जो भी चैनल देखने वाले लोग हैं सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं और आशा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे होंगे वो अच्छे होंगे। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं। पहला सवाल और सीधा सवाल रहेगा कि आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मनीष कश्यप के सपोर्ट में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट ही क्यों? सबसे पहले मनीष कश्यप के जगह अगर आप भी होते हैं तो मैं आपको भी सपोर्ट करता जी। मीडिया बंधु चौथा स्तंभ बना जाता है, अगर उसके आवाज को अगर कोई दबाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे हम रोड पे उतरने का भी काम करेंगे। ट्वीट तो एक मामूली सा चीज है, तो घर बैठा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब आपके बात आ जाएगी कि जब मीडिया के आवाज को अगर कोई अगर दबाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसके तरफ हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। एक सवाल, जिस तरह से मनीष कश्यप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार जो अभी सरकार है महागठबंधन का उस पर प्रतिवार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मनीष कश्यप जी निश्चित तौर पर सही हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आप मान लीजिए आपका चेहरा अच्छा नहीं, मान लीजिए मेरा ही चेहरा अच्छा नहीं, अगर हम ऐना के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं और हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है तो इसमें ऐना की क्या गलती है? उन्होंने सरकार के चीजों को अगर सही ढंग से दिखाने का काम किया तो उसमें गलती मनीष कश्यप की है क्या? इसमें गलती सरकार की है। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक फौजी भाई के साथ उसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, जिसके खिलाफ मनीष कश्यप जी रोड पे उतर के आंदोलन करने आए, तभी से इन लोगों को लग गया था महागठबंधन के नेताओं को ये व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करने जा रहा है बिहार में। उसी समय से इस व्यक्ति को टारगेट लेकर, और अच्छा ये बताइए मनीष कश्यप ही इसके लिए आवाज उठाए थे? इसके पहले भी अमर उजाला वहां का चैनल था तमिलनाडु का, वो अपने अखबार में छापा था। उसके बाद तमाम नेता आरजेडी के, जदयू के, सभी लोग बीजेपी के भी ट्वीट किए थे, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एक सवाल, क्या जो तमिलनाडु में हुआ क्या बिहारियों पर सच में अत्याचार हुआ कि वो फेक है? आप क्या मानते हैं और आप क्या देखते हैं, क्योंकि लगातार आपके बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, वहां से कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है, काफी बड़े नेता जैसे पप्पू यादव जी हो गए और भी बीजेपी के कई नेता हो गए, आरजेडी के नेता हो गए, कई कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है जी। निश्चित तौर पे बिहार के लोगों के साथ किसी भी राज्य में अगर गलत होता है तो गलत होता है, निश्चित तौर पे वो हमारे कहीं ना कहीं भाई है, परिवार के लोग हैं, चाचा है, जो भी लोग वहां बसे हुए हैं। अगर बिहार के किसी लोगों के साथ कहीं गलत होता है तो निश्चित तौर पे गलत ही है। और रह गई बात, किसी पे पुष्टि होनी चाहिए ना कि वीडियो गलत है या सही है, पहले आप ही के यहाँ का लोग उसको सत्यता करता है कि ये जो चीज है वो सही है, उसके बाद ना मनीष कश्यप जी और भी बहुत सारे लोग दिखाने का काम किए। तो वीडियो अगर सही नहीं होता तो इतना तेजी से तो फैलता नहीं। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक एफआईआर करके, ताकि सभी मीडिया के लोग डर जाएं और इसको न्यूज नहीं चलाने का काम करें। आपको विशेष धन्यवाद देंगे कि आपने डरा नहीं और बेबाकी से इस बात को पूछने का काम किया। बहुत सारे पत्रकार बंधु अभी डर चुके हैं, हो सकता है मनीष कश्यप के बाद अगला नंबर हमारा हो। नहीं नहीं, हम सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है और हम अपना धर्म निभाएंगे। पहले बात तो ये बताइए कि बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है और आप इस समस्या को कैसे देखते हैं और युवाओं के लिए क्या कहिएगा, युवाओं के लिए आप कैसे लड़ रहे हैं? सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, तमिलनाडु की इस घटना के बाद और इसके पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लोग कमेंट करके बोलेगा कि आपकी भी तो सरकार यार है, आपने क्या किया। उसके पहले भी हम बोलते थे कि जैसे मान लीजिए कि अभी इस तरह से घटना हुई तमिलनाडु में, हमने ऑन मीडिया के इस बात को कहा था कि जितने हमारे भाई लोग हैं वो लोग चुपचाप दो महीना बिहार में खाली रह जाए, अगर मार्च में होली में का समय है, दो महीना बिहार में रह जाए, अदर स्टेट के लोगों को पता चल जाए कि हमारा जो भी उद्योग उनका है वो कैसे चलेगा। एक बात आपने कहा। दूसरा चीज कि रह गई रोजगार के बाद, तो हम लोग जैसे व्यक्ति
जो ऐसे कुछ लोग होंगे उनके लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हमको लोगों को पता चल गया कि बिहार सरकार से कुछ होने वाली नहीं है। आपको पता है बिहार के बाहर कितने लोग जाके काम करते हैं, कितने लोग बिहार के बाहर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तभी तो भाई जी लोगों को औकात पता चलेगी कि बिहार के लोगों का कैपेबल क्षमता क्या है। जब अगर एक महीना दो महीना लोगों के फैक्ट्रिया में जब ताला पड़ जाएगी तो लोग इज्जत देने का वहाँ काम शुरू कर देगा। अगर हमारी सरकार अगर दो महीने बिहार के बेरोजगार लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं मजदूर लोग अगर बिहार में आते हैं तो दो महीना उनको खाना कौन खिलाएगा। सबसे बड़ी समस्या उनका भरण पोषण का जो समस्या है, पैसा है, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा। सबसे पहले कि भाई पटना हो गया, हम जहाँ जिस जगह पर रह रहे वहाँ की बात कर रहे हैं, पटना भी हो गया, उसके बाद और भी जगह के लोग हैं। हर एक क्षेत्र का कोई ना कोई नेता होता है, सब एक आदमी तो पूरा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतना फंडिंग का नहीं है। अगर हम ऑन मीडिया बनने के लिए बोल दें कि सब लोगों का हम व्यवस्था चलाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी अगर ये ठान लें, अगर जिसके अंदर मानवता बचा हुआ है कि हम मान लीजिए कि हमारे वार्ड में अगर मान लीजिए 50 लोग बाहर कमाने वाले हैं तो 50 लोगों का हम लोग 10 को टीम बना के तो उसको तो हम लोग एक महीना दो महीना का वो इजी वे में रख सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि सरकार उस ढंग से काम नहीं कर रही है तो इसको मुंह पे इसको तमाचा मारने का काम तो हम लोग कर सकते हैं। जो बाहरी स्टेट है जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, इनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि बिहारियों की पावर क्या है। अगर बिहारी वहां पर काम नहीं करेंगे, बिहारी का पावर निश्चित तौर पर बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आप जाकर देख लीजिए कि यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसको क्वालिफाइड करने वाले बिहार के हमारे भाई सबसे ज्यादा होते हैं। तो बिहार की क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की क्षमता हमेशा वो देश के लोग जानने का काम किए कि बिहार की अपनी क्षमता है, लेकिन यहाँ के चंद नेताओं अपने वोट बैंक के लिए हम लोग का जो स्थिति है ना इसको नीचे करने का लोग काम करते हैं। मनीष कश्यप गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या कीजिएगा सर आप? निश्चित तौर पर अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा बोलते हैं कि हम लोग अनशन करने का काम करेंगे अगर वो नहीं छूटते। एक सवाल और, मतलब अगर दो महीने बिहार के बेरोजगार लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं मजदूर लोग अगर बिहार में आते हैं तो दो महीना उनको खाना कौन खिलाएगा। सबसे बड़ी समस्या उनका भरण पोषण का जो समस्या है, पैसा है, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा। सबसे पहले कि भाई पटना हो गया, हम जहाँ जिस जगह पर रह रहे वहाँ की बात कर रहे हैं, पटना भी हो गया, उसके बाद और भी जगह के लोग हैं। हर एक क्षेत्र का कोई ना कोई नेता होता है, सब एक आदमी तो पूरा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतना फंडिंग का नहीं है। अगर हम ऑन मीडिया बनने के लिए बोल दें कि सब लोगों का हम व्यवस्था चलाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी अगर ये ठान लें, अगर जिसके अंदर मानवता बचा हुआ है कि हम मान लीजिए कि हमारे वार्ड में अगर मान लीजिए 50 लोग बाहर कमाने वाले हैं तो 50 लोगों का हम लोग 10 को टीम बना के तो उसको तो हम लोग एक महीना दो महीना का वो इजी वे में रख सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि सरकार उस ढंग से काम नहीं कर रही है तो इसको मुंह पे इसको तमाचा मारने का काम तो हम लोग कर सकते हैं। जो बाहरी स्टेट है जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, इनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि बिहारियों की पावर क्या है। अगर बिहारी वहां पर काम नहीं करेंगे, बिहारी का पावर निश्चित तौर पर बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आप जाकर देख लीजिए कि यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसको क्वालिफाइड करने वाले बिहार के हमारे भाई सबसे ज्यादा होते हैं। तो बिहार की क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की क्षमता हमेशा वो देश के लोग जानने का काम किए कि बिहार की अपनी क्षमता है, लेकिन यहाँ के चंद नेताओं अपने वोट बैंक के लिए हम लोग का जो स्थिति है ना इसको नीचे करने का लोग काम करते हैं। मनीष कश्यप गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या कीजिएगा सर आप? निश्चित तौर पर अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा बोलते हैं कि हम लोग अनशन करने का काम करेंगे अगर वो नहीं छूटते। एक सवाल और,